जानकारी प्राप्त आसपास के क्षेत्र की जानकारी हेल्थ से संबंधित जानकारी मोबाइल जैसा आप लोगों ने इसमें डाक कावड़ को लेकर के जो सवाल था उसमें यही जो हमारी अभी तक सबसे बड़ा इसमें समस्या ये आती थी कि डाक कावड़ का जो एक जो उसका एक आइडिया ही उसी टाइप का है कि वो रेस लगेंगी और उसके बाद जो पहले पहुंचेगा तो उसमें कुछ धनराशि भी जो उनके जो संघ होते हैं वो उसमें कुछ धनराशि उसकी डिसाइडेड होती है वो उनको मिलती है। तो इसमें हम लोगों ने और हमारे जैसे जो इंटर बॉर्डर मीटिंग्स हुई हैं जो इंटर स्टेट मीटिंग हुई है उसमें हमने ये रिक्वेस्ट किया कि हरिद्वार से जो डाक कावड़ निकल रही है तो वहाँ पे संघों से रिक्वेस्ट की गई है कि इस प्रकार का वो कंपटीशन उसमें इस बार ना करवाएं। उसमें बेसिक बस ये रहे कि वो डाक कावड़ लेकर के जाना है लेकिन किस प्रकार के प्राइसेस और किसी भी प्रकार के रेस का इस तरीके की चीज़ें ना करवाई जाएं। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और जो डाक कावड़ का मेनली इशू होता है वो आखिरी के 3-4 दिन होता है और जैसा आपने देखा होगा कि उस टाइम पे जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी काफ़ी कम हो जाती है। तो उसको लेकर के हमारे जो पुलिस प्रशासन की ओर से स्पेशल टीम्स और जहाँ पे दोनों तरफ ट्रैफिक है वहाँ पे हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि जो डिवाइडर्स हैं वो लोहे के डिवाइडर्स छोटे वाले हम लोग वो ताकि एक तरफ जाने वाले लोग एक तरफ से ही जाएं और उसमें आपस में जैसे पिछली बार जो हुआ था सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम की वजह यही थी कि दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा था। तो इस बार उसकी भी व्यवस्था की गई है कि डिवाइडर लगा करके दोनों लोगों को सेपरेट किया जा रहा है। देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसमें इसका नाम हमने सुगम कावड़ मेरठ ऐप रखा है 2023 और इसके माध्यम से हम लोग सभी कावड़ यात्रियों को एक तो जनपद में हम अपनी ओर से स्वागत भी करेंगे उसमें और दूसरा जो कावड़ यात्रियों के लिए सबसे मुख्य जो उनकी एक उनके लिए जो बेसिक सर्विसेज होती हैं बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जैसे मेडिकल कैंप्स खाने के पंडाल सामुदायिक शौचालय शेल्टर रात को रुकने के लिए आश्रय स्थल ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उस ऐप के माध्यम से उन सब लोगों तक वन क्लिक पे उनको मिल जाएगा। साथ ही जनपद के जितने भी अधिकारीगण हैं जो भी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जैसे वहाँ के चिकित्सा अधिकारीगण हैं या वहाँ के पुलिस के अधिकारीगण हैं प्रशासनिक SDM हैं ADMs हैं तो जो भी वहाँ के लोग हैं उनकी सारा इन्फॉर्मेशन भी हम इस ऐप के माध्यम से उन तक पहुँचाएंगे। देखिए बहुत सिंपल सा है इसमें कोई भी आपको कहीं कोई सर्च नहीं करना। हम लोगों ने ये प्लान किया कि पूरे रास्ते पर हम लोग अलग अलग जैसे मुख्य मुख्य पंडालों पे या जहाँ पे साइनेजेस हैं या पुलिस की बैरिकेटिंग्स हैं सब जगह इसका एक बार कोड हम चिपकवा देंगे और उसको स्कैन करके सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही जैसे अभी आप सभी के माध्यम से भी हम उसके बार कोड आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे और उसके माध्यम से भी सभी लोग हम ट्वीट भी कर देंगे उसको तो कोई भी लोग उसको स्कैन करके इस वेब एप्लीकेशन को देख सकते हैं। हाँ इसमें एक छोटा सा हम लोगों ने सेल्फ रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी भी दी है जिसमें वो कोई भी कावड़ यात्री खुद को रजिस्टर कर सकता है जिसमें सेल्फी के माध्यम से वो अपनी फोटोग्राफ और अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर और अपना गृह जनपद ये सारी चीज़ें और बेसिक अपना आधार नंबर ही डाल करके सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली मुझे लगता है कि एक अब कभी भी हम कोई अच्छा काम करते हैं चाहे वो हर घर तिरंगा हो या किसी भी तरीके का हम लोगों ने जो भी अभियान चलाए तो अगर एक कोई जेन्युइन कावड़ यात्री हैं वो अगर अपने को उस ऐप पर रजिस्टर करके और अपना पूरा वो डिटेल डाल करके अगर रजिस्टर होना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। साथ ही और हम लोगों के पास भी एक बेसिक डेटाबेस बन जाएगा कि कितने लोग हमारे जनपद में आ रहे हैं और कितने लोग उस पर रजिस्टर कर रहे हैं और साथ ही एक चीज़ इसमें और भी जो महत्वपूर्ण है जो इसका जो भविष्य में उपयोग हो सकता है कि खोया पाया की बहुत समस्याएं रहती हैं तो अगर किसी ने हमारी एप्लीकेशन पर रजिस्टर किया है तो हमको ये पता रहेगा कि वो जनपद में आ करके उसने इस लोकेशन पर उसको रजिस्टर किया है तो उसको ढूंढने में भगवान ना करे अगर कि ऐसी कोई स्थिति होती है तो उसको ढूंढने में भी सहायता मिल सकती है। देखिए बेसिकली अभी तक जो है वो मेरठ में ही इसका काम होगा और बाकी हम आसपास के जनपदों से भी इसको शेयर करेंगे अगर उनको भी इसमें कुछ ऐड करवाना होगा क्योंकि लाइव ऐप है तो अगर उनको भी कुछ ऐड कराना है तो